of all, welcome whole world in India by Awadh Study Center and congratulate 71st Republic Day. आज हमारे लिए बड़े गर्व एवं खुशी की बात है कि हम लोग गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हैं, और मेरे लिए तो और ही खुशी की बात है कि आप लोगों के एग्जाम में हम कुछ सहयोग दे पा रहे हैं। आज अभी रिपब्लिक डे की खुशियां भी मनाना है, इसलिए हमारे पास थोड़ा वीडियो बनाने का टाइम कम है, फिर भी आज आप लोग कम से कम एक वीडियो तो पाएंगे ही। आज आप लोग वर्क एंड टाइम के पार्ट सेकेंड के बारे में स्टडी करेंगे, तो चलिए हम लोग वर्क एंड टाइम के पार्ट सेकेंड के बारे में स्टडी करते हैं। यह है क्वेश्चन, राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसे 24 घंटे में कर सकता है, यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अब देखिए, ये 8 घंटे में करता है और काम क्या होता है, एक, तो 8 घंटे में करता है एक काम, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1/8 काम। तो इस चीज को हम डायरेक्टली लिख लेते हैं। अब यहां लिख लेंगे कि राम करता है हमारा 1 घंटे में 1/8 काम, ऐसे श्याम करता है 1 घंटे में 1/24 काम। अब कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, 1/8 प्लस 1/24। इस तरह से इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 + 1/24। एलसीएम ले लेंगे दोनों का और ये आ गया आपका 4/24, ये आ गया 1/6। अब देखिए ये क्या आया, एक काम, ऊपर वाला क्या था, ये काम था, और नीचे वाला क्या था, घंटा था। तो ये एक काम कर रहे हैं कितने घंटे में, 6 घंटे में। तो इसी को चाहे तो हम अपोजिट कर लें, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 6 घंटे, मीन्स दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो 6 घंटे में समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC एक काम को क्रमशः 20 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब देखिए, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में 2 लोग थे, यहाँ 3 लोग हैं, तो ऐसे ये भी रहेगा, एक दिन का काम कितना होगा, 1/10, ऐसे बी का होगा एक दिन का 1/20, ऐसे सी का हो जाएगा 1/30। अब तीनों मिलकर कर रहे हैं तो तीनों को ऐड कर लेते हैं, 1/10 प्लस 1/20 एंड प्लस 1/30, तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 60, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ 3 और यहाँ 2, इस तरह से आ गया 3 × 2 = 5, 5 × 6 = 11, 11/60। ये क्या है, ये है हमारा वर्क और ये है हमारा टाइम, टाइम यहाँ क्या दिया है, दिन। तो हम डिवाइड करते हैं, इसको अपोजिट कर लेते हैं, क्योंकि हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है दिन, तो इसलिए यहाँ जो आंसर आया रहता है उसका हम अपोजिट कर लेते हैं। अब इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 5 होल एंड 5/11, इतना आ गया हमारा डे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, AB एक साथ किसी काम को 10 दिन में, BC एक साथ 15 दिन में, CA एक साथ 20 दिन में करते हैं, यदि तीनों एक साथ करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। यहां रहेगा तीनों, तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है AB BC CA, दो दो लोग मिलकर कर रहे हैं तो कुछ नहीं करना है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा, तो यहां भी AB मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, A + B हमारा हो गया 10 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/10, ऐसे BC कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में, तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/15, ऐसे सी और ए एक पूरा काम कर रहे हैं 20 दिन में, तो एक दिन में करेंगे 1/20। अब देखिए, अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, सब 2 बार है, 2 बार देखिए ए है, 2 बार बी, 2 बार सी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2A + B + C, इसका मतलब अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो इतना आएगा, तो यहाँ देखिए 2A + B + C बराबर 1 + 1/10 + 1/15 + 1/20,
तीनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 60, यहाँ 6 हुआ, यहाँ 4 हुआ एंड यहाँ 3 हुआ। 6 4 10, 10 3 13, इसका मतलब 13 बाई 60 ये क्या आ गया, 2a प्लस b प्लस c। अब यहाँ a प्लस बी प्लस सी अगर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका तिरछा गुणा हो जाता है तो ये आ जाएगा यहाँ 2। अब इस तरह से ये हो गया 13 बाई 120। जो भी आता है उसको अपोजिट कर लेते हैं, तो यहाँ अपोजिट अगर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 120 बाई 13। अब इसको डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो गया, नहीं भी डिवाइड करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर यही है। तो जब दो दो लोग मिलकर काम करें तो जैसे पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने लिखा वैसे ही तीनों को जोड़ लेना है और लास्ट में 2 से डिवाइड कर देना। देखिए यहाँ 2 से डिवाइड हुआ, कै क्यों हो जाता है, क्योंकि दो दो लोग मिलकर कर रहे हैं तो लास्ट में यहाँ जैसे आप लोग देखे तीनों को जोड़ने पर 2 बार सवारा, 2 बार a, 2 बार b, 2 बार c, इस वजह से यहाँ 2 आता है और इसको जब तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ ये आ जाता है। तो कुल मिलाकर ये समझे रहिए कि तीनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है, बस यही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं। महेश सुरेश एक काम 10 दिन में, सुरेश और श्याम 20 दिन में, एवं श्याम महेश 30 दिन में करते हैं, तो अकेले महेश कितने दिन में करेगा। जैसा आप लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा तीन दो दो लोग मिलकर कर रहे थे तीन लोग, ऐसे ही इसमें भी दो दो लोग मिलकर तीन ग्रुप बन रहा है। तो देखिए यहाँ महेश और सुरेश कितने दिन में, 10 दिन में, इसका मतलब यहाँ भी हमारा यही रहेगा। अगर हम तीनों का निकालेंगे तो क्या आएगा, जैसे ऊपर आप लोगों ने देखा था यहाँ महेश प्लस सुरेश प्लस श्याम, इसमें भी यही आएगा। अब तीन लोगों को जोड़ेंगे, 1/10 प्लस 1/20 एंड प्लस 1/30, तो इसको भी ले लेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम हमारा आ जाएगा 60, यहाँ आया 6, यहाँ आया 3 और यहाँ आया 2, 3 2 5 6 11, इसका मीन्स हो गया 11/60, ये हो गया। लेकिन यहाँ हमारा देखिए 2 है तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, जब 2 देखिए हो गया महेश, ये हो गया सुरेश और ये हो गए श्याम, ये सब मिलाकर आ रहा इतना, तो यहाँ हम करेंगे इस 2 का तिरछा गुणा करेंगे तो इधर चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, महेश प्लस सुरेश प्लस श्याम, ये तीनों लोग मिलकर क्या हो जाएंगे, 11/60 × 2। अब ये आ जाएगा x उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 120/11। ये तो आ गया हमारा तीनों लोगों का मिलाकर। अब लेकिन पूछा क्या जा रहा है, अकेले महेश कितने दिन में करेगा, तो महेश की बात कर रहा है, इसका मतलब अगर हम इन दोनों की जगह कुछ रख दे कोई नंबर तो हमारा महेश का आ जाएगा। तो देखिए सुरेश और श्याम वाला कितना है, सुरेश और श्याम कितने दिन में, 20 दिन में करते हैं, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, 20 रख देते हैं, 1/20 चलिए रख देते हैं। यहां अभी हम इसको अपोजिट नहीं करते हैं, पूरा अभी सॉल्व करना है, तो ये है 11/120 और ये देखिए महेश। अब महेश इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां देख लीजिए आप लोग, महेश बराबर 11/120 − 1/20, इस तरह से ये आ जाएगा 11 − 6, 5/120, ये आ गया 24, 1/24, इसको अपोजिट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 24, इसका मतलब महेश कितने दिन में करेगा, 24 डेज में। तो इसी को हम आप लोगों को और सिंपल करके बताते हैं, इसमें क्या कीजिए आप लोग, तीनों को जोड़ लीजिए, 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30,
तो ये आ जाएगा आपका 60 LCM आ जाएगा, यहाँ आएगा 6 + 3 + 2 11/60 आ गया, और इसी को 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से भाग दिए ये कितना आ गया 11/120, इतना आ गया। कुल मिलाकर इसको सॉल्व करके और 2 से भाग दे दिए तो कितना आ गया 120, 11/120। अब देखेंगे महेश का पूछा जा रहा, जो पूछा जा रहा उसको छोड़ देंगे। तो देखिए किस सेंटेंस में, यहाँ है महेश सुरेश, यहाँ भी महेश है, यहाँ देखिए श्याम महेश, यहाँ भी महेश है, तो जिसमें महेश नहीं है उसको लेंगे। तो देखिए सुरेश और श्याम, इसमें महेश नहीं है तो इसी वाले को हम माइनस कर देंगे, मीन्स 11/120 माइनस 1/20। अब इस तरह से आ जाएगा 11 - 6/120 और ये आ गया 5/120, कैंसिल कर दिए 1/24। इसको अपोजिट करेंगे तो कितना आंसर आ गया 24। तो ये आ गया 24, महेश जो है 24 डे में काम को कंप्लीट करेगा। तो आप लोग अवध स्टडी सेंटर देखते रहिए, क्योंकि इतना जल्दी सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं, इसलिए टाइम लगेगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसका कुछ और पार्ट बचा हुआ है, उसको भी आप लोग देखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।